के कई जवाब हो सकते हैं। एक तो मुझे अच्छा लगा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री को कितना प्रेशर झेलना पड़ता है। वरना आपको तो लगता होगा हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, उनको क्या है, यहां से यहां जाना है, यही करना है। लेकिन आपको पता है कि भांति भांति के सुबह शाम, दरअसल हर एक के जीवन में अपनी स्थिति से अतिरिक्त ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिसको उसे मैनेज करना पड़ता है, जो उसने सोचा नहीं वैसी चीजें व्यक्तिगत जीवन में भी आ जाती है, परिवार जीवन में आ जाती है, और फिर उसको उसे भी संभालना पड़ता है। अब एक नेचर ऐसा होता है कि भाई बहुत बड़ी आंधी आई है, चलो कुछ पल बैठ जाए, निकल जाने दो। कुछ संकट आया है, नीची मुंडी करो यार, समय जाएगा। शायद ऐसे लोग जीवन में कुछ अचीव नहीं कर सकते। मेरी प्रकृति है, और जो मुझे काफी उपकारक लगी है, मैं हर चुनौती को चुनौती देता हूं। चुनौती जाएगी, स्थितियां सुधर जाएगी, इसकी प्रतीक्षा करते हुए मैं सोया नहीं रहता हूं, और उसके कारण मुझे नया नया सीखने को मिलता है। हर परिस्थिति को हैंडल करने का नया तरीका, नए प्रयोग, नई स्ट्रेटजी, ये इवॉल्व करने का सहज मेरा एक मेरी विधा, मेरा अपना विकास होता जाता है। दूसरा, मेरे भीतर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। मैं हमेशा मानता हूं कि कुछ भी है, 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ हैं। अगर 100 मिलियन चुनौतियां हैं, तो बिलियंस ऑफ बिलियन समाधान भी है। मुझे कभी नहीं लगता है कि मैं अकेला हूं। मुझे कभी नहीं लगता है कि मुझे करना है। मुझे हमेशा पता होता है मेरा देश सामर्थ्यवान है, मेरे देश के लोग सामर्थ्यवान है, मेरे देश के लोगों का मस्तिष्क सामर्थ्यवान है। हम हर चुनौती को पार कर जाएंगे। ये मूलभूत मेरे भीतर मेरा सोचने का पिंड है, और इसके कारण मुझे कभी नहीं लगता है यार मुझ पर आया क्या करूंगा। मुझे लगता है नहीं, 140 करोड़ लोग हैं, संभल जाएंगे, ठीक है, आगे मुझे रहना पड़ेगा, और गलत हुआ तो गाली मुझे खानी पड़ेगी, लेकिन मेरे देश का सामर्थ्य, और इसलिए मैं अपनी शक्ति देश के सामर्थ्य को बढ़ाने में लगा रहा हूं। और जितना ज्यादा मैं मेरे देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ाता जाऊंगा, चुनौतियों को चुनौती देने की ताकत हमारी और बढ़ती जाएगी। अब हिंदुस्तान की हर सरकार को गरीबी के संकट से जूझना पड़ा है। हमारे देश में संकट है ही है, लेकिन मैं डर करके बैठ नहीं गया, मैंने उसका रास्ता खोजा, और मैंने कहा, सोचा कि सरकार होती कौन है जो गरीबी हटाएगी। गरीबी तो तब हटेगी जब मेरा हर गरीब तय करेगा कि अब मुझे गरीबी को परास्त करना है।
अब वो सपने ही देखेगा तो होगा कि नहीं होगा। तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उसके सपने को पूरा करने के लिए सामर्थ्यवान बनाऊं, उसको पक्का घर दे दूं, उसको टॉयलेट दे दूं, उसको शिक्षा की व्यवस्था दे दूं, उसको आयुष्मान योजना का लाभ दे दूं, उसके घर से नल पहुंचा दूं। अगर मैं ये चीजों से जो उसको रोजमर्रा की जिंदगी से उसको जूझना पड़ता है, अगर मैं उससे उसको मुक्ति दिला देता हूं, उसको एम्पावर करता जाता हूं, तो वो भी मानेगा अब गरीबी गई, अब मैं उसको मारूंगा। और आप देखिए, इस मेरे 10 साल के कार्यकाल में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। अब यही चीज और लोग भी तो जैसे बिताया, मैं भी बिता देता। और इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि हम देश की शक्ति पर, देश के संसाधनों पर भरोसा करें। जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं तो कभी हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते जी। मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, अरे मैं तो एक चाय बेचने वाला इंसान क्या करूंगा, ऐसे नहीं सोच सकता हूं जी। मुझे पूरा भरोसा होना चाहिए। और इसलिए पहली बात है कि आप जिनके लिए कर रहे हैं उन पर आपका अपार भरोसा। दूसरा, आपके पास निरक्षीर का विवेक चाहिए, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा आज जरूरी है, कौन सा अभी नहीं, बाद में देखेंगे। आप प्रायोरिटी तय करने का सामर्थ्य चाहिए, वो अनुभव से आता है, हर चीज को एनालाइज करने से आता है। मैं दूसरा प्रयास ये करता हूं। तीसरा, मैं गलती भी हो जाए तो ये मान के चलता हूं कि ये मेरे लिए लेसन है, मैं इसको निराशा का कारण नहीं मानता। अब आप देखिए, कोविड का संकट कितना भयंकर था, मामूली चुनौती थी क्या, पूरी दुनिया फंसी पड़ी थी। अब मेरे लिए भी था कि क्या करो भाई, मैं कह दूं अब क्या करें, तो भाई वैश्विक बीमारी है, दुनिया भर में ऐसा ही है, सब अपना अपना संभाल लो। मैंने ऐसा नहीं किया, रोज टीवी पे आया, रोज देशवासियों से बात की, कभी ताली बजाने के लिए कहा, कभी थाली बजाने के लिए कहा, कभी दिया जलाने के लिए कहा। वो एक्ट कोरोना को खत्म नहीं करता है, लेकिन वो है कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने की एक सामूहिक शक्ति को जन्म देता है, सामूहिक शक्ति को उभारना। अब देखिए, पहले भी खेल के मैदान में हमारे लोग जाते थे, कभी कोई जीत के आता था, कोई जीत के नहीं आता था, जाने वाले को पूछता नहीं था, आने वाले को पूछता नहीं था। मैंने कहा भले 3 मेडल के जीत के आएंगे, लेकिन मैं उसके ढोल पिटूंगा। तो धीरे धीरे करके 107 मेडल लेने का सामर्थ्य उन्हीं बच्चों में से निकला, सामर्थ्य तो था, सही दिशा, सही रणनीति, सही नेतृत्व परिणाम लाता है। जिसका जिसके पास सामर्थ्य है उसका सही उपयोग करना चाहिए। और मेरा तो गवर्नेंस का एक सिद्धांत रहा है कि अच्छी सरकार चलाने के लिए, इन समस्याओं के समाधान के लिए भी, आपको नीचे से ऊपर की तरफ सही जानकारी आनी चाहिए, परफेक्ट इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, और ऊपर से नीचे की तरफ परफेक्ट गाइडेंस जाना चाहिए। अगर ये टू वे चैनल परफेक्ट रही, उसका कम्युनिकेशन, उसकी व्यवस्थाएं, उसके प्रोटोकॉल उसको ठीक से किया, तो आप चीजों को संभाल सकते हैं। कोरोना एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और इसलिए मैं मानता हूं कि हम निराश होने का कोई कारण ही नहीं होता है जीवन में। और अगर एक बार मन में तय कर लिया कि निराश होना ही नहीं है, तो फिर सिवाय पॉजिटिविटी कुछ आता ही नहीं है। और मेरे यहां निराशा के सारे दरवाजे बंद है, कोई कोना भी, एक छोटी खिड़की भी मैंने खुली नहीं रखी है
कि निराशा वहां से घुस जाए। और मैं, आपने कभी देखा होगा, मैं कभी, मैं रोता बैठता नहीं हूं जी, पता नहीं क्या होगा, वो हमारे साथ आएगा कि नहीं आएगा, वो हमसे भिड़ जाएगा कि, अरे होता रहता है जी, हम किस चीज के लिए हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि जीवन में आत्मविश्वास से भरे हुए और अपने लक्ष्य के विषय में। और दूसरी बात है, जब कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है, खुद के लिए कुछ करना तय होता है, तो निर्णयों में कभी भी दुविधा पैदा नहीं होती है। और वो एक बहुत बड़ी अमानत मेरे पास है। मेरा क्या, मुझे क्या, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ देश के लिए करना और आपके लिए करना, ताकि आपके माता पिता को जिन मुसीबतों से गुजरना पड़ा, मैं नहीं चाहता हूं कि उन मुसीबतों से आपको गुजरना पड़े। हमें ऐसा देश बना करके देना है दोस्तों, ताकि आपके भावी पीढ़ी को भी, आपके संतानों को भी लगे कि हम ऐसे देश के अंदर और पूरी तरह खिल सकते हैं, अपना सामर्थ्य दिखा सकते हैं। और ये हमारा सामूहिक संकल्प होना चाहिए, ये हमारा सामूहिक रिजॉल्व होना चाहिए, और परिणाम मिलता है। और इसलिए साथियों, जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग की बहुत बड़ी ताकत होती है। बुरी सी बुरी चीज में भी पॉजिटिव देखा जा सकता है, उसको हमें देखना चाहिए।